चेस चैंपियनशिप 2018 हम करवाने जा रहे हैं, इसमें 20 लाख के कैश प्राइजेस रखे हुए हैं, 25 इंटरनेशनल मास्टर, 50 इंटरनेशनल मास्टर, 25 ग्रैंड मास्टर, 150 इंटरनेशनल प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये इंडियन टीम की डायरेक्ट सिलेक्शन होगी ओलंपियाड के लिए, वर्ल्ड के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, एशियन के लिए। और जे एंड के में यूथ को हमने लगातार प्लेटफॉर्म दिया है, 11 ऑल इंडिया लेवल के इवेंट हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जे एंड के यूथ इसमें बेस्ट कोशिश करें, अपनी इंडियन टीम में सिलेक्ट होने की कोशिश करें। इसमें पहला प्राइज हमने 5 लाख का, दूसरा 4 लाख का, फिर 3, 2, 1.5, फिर 1-1 लाख के 3 प्राइज रखे हुए हैं। और ये इतना बड़ा इवेंट जे एंड के की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। 300 के करीब खिलाड़ी इंडिया की लगभग सभी स्टेटों से, आपने बड़े नेशनल देखे होंगे, सभी स्टेटों की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, इसमें ऑलमोस्ट सभी स्टेटों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, और अंडमान निकोबार के खिलाड़ी भी यहाँ आने की उम्मीद है। और इतना बड़ा स्पोर्ट्स एक्सट्रावेंजा देख के हमारे यूथ मोटिवेट होंगे और आने वाले टाइम में एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और नेगेटिविटी ड्रग्स से हटेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सर ये कौन सी जगह हो रहा है? ये गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में नेशनल हाईवे शनी बाईपास में होने जा रहा है। कब से कब तक? 8 से 18 दिसंबर, 8 को इसकी ओपनिंग होगी और 18 को क्लोजिंग होगी। तो इसमें अगर पार्टिसिपेट करना हो किसी ने? इसमें सिर्फ सिलेक्टेड प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें सभी स्टेटों के 4-4 प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारी स्टेट के सिर्फ 4 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इसमें प्राइजेस वगैरह? प्राइजेस 20 लाख के रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इतना बड़ा इवेंट जे एंड के स्टेट में आज तक नहीं हुआ। 20 लाख के कैश प्राइजेस रहेंगे, पहला प्राइज इसमें 5 लाख का रहेगा, दूसरा 4 लाख का, 10 कैश प्राइजेस होंगे टॉप। मैं अतुल कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के चेस एसोसिएशन। मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2018 हम जम्मू में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें 20 लाख के कैश प्राइजेस बांटे जाएंगे और इसमें लगभग सभी स्टेटों के 300 खिलाड़ी और 70 ऑफिशियल पार्टिसिपेट करेंगे, 25 ग्रैंड मास्टर, 50 इंटरनेशनल मास्टर और 150 इंटरनेशनल प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम जे एंड के यूथ को प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करने के लिए 11 ऑल इंडिया लेवल के इवेंट ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये हमारा 12वां इवेंट होगा और पहले बी और ए दो नेशनल होते थे, इस बार सिर्फ एक ही नेशनल होगा जिसमें डायरेक्ट इंडियन टीम की सिलेक्शन होगी। इंडिया के प्लेयर इसमें जो सिलेक्ट होंगे ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड के लिए, एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए जाएंगे। और हम जे एंड के प्लेयरों से यही अपील करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें और इंडियन टीम में आने की कोशिश करें।